पीटीआई पार्टी फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ही दिन समाअत, कप्तान की इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की इस्तेदा मुस्तरद, अदालत का दो हफ्तों में फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुक्म दिया कि तहरीके इंसाफ इलेक्शन कमीशन को दो हफ्तों में फॉरन फंडिंग की तफसीलात फराम करे, कमीशन दस्तावेजात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, मगर अकबर एस बाबर या किसी और गैर मुतलका फरीक को न दे। इलेक्शन कमीशन के 1 अप्रैल 2015 के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला अदालत आलिया करेगी। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील ने रिकॉर्ड पेश करने के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की बुनियाद पर इल्तवा मांगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, समझ नहीं आती पीटीआई हुक्म की तामील क्यों नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड 11 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाए। साथ ही रिपोर्टर आमिर शहीद अब्बासी के साथ यासिर मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।